good morning to my dear students students as we were discussing about uh, the connective tissue and uh, in the previous video i told you about the various characteristic features of the connective tissue and we already discussed about areolar connective tissue so in this series today i will discuss two more types of connective tissues along with you initially i want to discuss uh, dense regular connective tissue then along with it i will also discuss the features or the characteristics of the adipose connective tissue so i am going to start the first one dense regular connective tissue actually what is it uh, and uh, what are its various types so dense regular connective tissue it is a fibrous connective tissue having densely packed collection of fibers and cells so earlier we areolar connective tissue was loose connective tissue ठीक है जिसमें मैट्रिक्स में फाइबर्स के अलावा बस जिसमें टिश्यू में मैट्रिक्स था और मैट्रिक्स के अलावा फाइबर थे और ये फाइबर लूजली पैक्ड थे बट हेयर इन द केस ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हैविंग डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स बहुत थोड़ा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेंसली पैक क्या होते हैं फाइबर्स और सेल्स होते हैं ठीक है थीके? इट इज़ द प्रिंसिपल कम्पोनेट ऑफ टेंडंस एंड लिगामेंट्स तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है इट इज़ द प्रिसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडंस एज वेल एज लिगामेंट्स ना वाट आर लिगामेंट्स एंड वाट आर टेंडन वी विल डिस्कस लेटर ऑन ठीक है एक्चुअली लिगामेंट्स लिगामेंट्स आर द इलास्टिक स्ट्रक्चर्स विथ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स एंड आर कंपोज ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यूज तो एक्चुअल में लिगामेंट क्या हैंगामेंट एक तरह के इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है जो बॉडी को कंसिडरेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड इनका जो मेन फंक्शन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दीज कनेक्ट बोन टू बोन यानी लिगामेंट्स आर यूज टू कनेक्ट बोन्स टू बोन्स ठीक है एंड दीज आर कंपोज ऑफ़ येलो इलास्टिक फाइबर्स ये किसके बने होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर एंड वट आर दीज आई डिस्कस इन द अर्लियर वन मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बता रहा था मैंने कहा था कि एरियोलर कनेक्टिव टिशू वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर दोनों का बना हुआ होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका लिगामेंट जो है इट इज़ अ इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड वाई द इलास्टिसिटी इज देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स एंड इट प्रोवाइड्स कंसिडरेबल स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ बोन टू बोन ठीक है दे स्ट्रेंथन द जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर एक्सटेंशन तो जनरली ये क्या लिगामेंट क्या काम करते हैं बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करते हैं ठीक है एंड इनके पास बहुत थोड़ा मैट्रिक्स भी होता है वेरी लिटिल मैट्रिक्स इज देयर ठीक है एंड ये नॉर्मल यानी जो जॉइंट्स होते हैं इन जॉइंट्स को नॉर्मल मूव करने की परमिशन अलाउ करते हैं ठीक है एंड अगर ज़्यादा अगर स्ट्रेच किया जाए इनको तो इसमें स्ट्रेन आ जाता है ठीक है अगर और लिगामेंट्स पुल हो सकते हैं आपके ठीक है तो जनरली वॉट आर लिगामेंट्स यू नो वेरी वेल दैट आपने अक्सर सुना भी होगा कि लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया तो ज़्यादा अगर स्ट्रेन पड़ जाता है जॉइंट में तो उसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा पुल हो जाता है लिगामेंट तो उसमें स्प्रेन पड़ जाता है ठीक है लिगामेंट फ्रैक्चर तक हो सकता है दे आर अलाउिंग मूवमेंट बट आर लिटिल बिट मूवमेंट ठीक है ना द सेकेंड इज़ टेंडेंस तो सेकेंड टाइप का जो आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है टेंडन दे आर एक्चुअली टेंडेंस आर स्ट्रांग ठीक है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इन इनलास्टिक स्ट्रक्चर देखा हमने वहाँ देखा था वो आपके इलास्टिक थे और वो आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे सिमिलरली टेंडन भी जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इन इलास्टिक होते हैं इनके पास कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है ठीक है एंड दे जॉइन स्केल्टल मसल्स टू द बोन्स अभी आपकी बॉडी की जो आपकी वॉलेंट्री मसल हैं जो स्केल्टल मसल्स हैं उन्हें बोन के साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं एंड दीज आर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू ठीक है हमने पहले वाली कंडीशन में देखा था वो येलो इलास्टिक फाइबर्स के बने हुए थे तो कंपेरेटिवली यहाँ पे आप देखेंगे दीज थी आर कम्पोज ऑफ़ वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ ठीक है तो अक्सर एग्जाम में कोई डिफरेंस आता है कि बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट तो आप बोलोगे टेंडेंस आर कम्पोज ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर तो ये बने होते हैं वाइट फाइब्रस फाइबर के टेंडन्स ठीक है एंड लिगामेंट आर यूज टू जॉइन बोन टू बोन लिगामेंट आर यूज टू जॉइन मसल्स टू बोन ठीक है एंड अब जो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू दिस टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ़ फैट सेल्स एंड एंडिपोज और एडिपोसाइट्स एंड ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल तो एडिपोज जो टिश्यू है ये एक्चुअली ये टिश्यू टिश्यू मीनस अ ग्रुप ऑफ सेल्स तो जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट सेल या एडिपोसाइट्स का बना हुआ होता है यानी किसका बना होता है एडिपोसाइट फैट सेल्स या जनरल लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फैट सेल या इसको बोलते हैं हम एडिपोसाइट्स ठीक है अच्छा इसके अलावा है इट्स एज अ फैट रिज़र्वर एंड कीप्स वेजेसरल ऑर्गन इन पोजिशन ठीक है ये जो है एक तरह से फैट्स के रिजर्वर का काम करता है क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है कि ये एडिपोसाइड है या आ, हम कह रहे हैं कि ये फैट सेल्स हैं तो ये एक तरह से फैट का है यानी कि ये फैट का क्या होगा रिजर्वायर होगा ठीक है एंड कीप्स वेजिसरल ऑर्गन इन पोजिशन फॉर्मिंग शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड किडनीज एंड आइटबॉल तो आपकी बॉडी के जितने भी नाजुक ऑर्गन है वेजिसरल ऑर्गन जो है इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है इनको कवर करने का काम भी करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है एक तरह का कुशन उनके अराउंड बना देता है जिससे कि जो एक्सटर्नल शॉक्स या जर्गस हैं इनसे इनको बचाएगा ठीक है नाउ फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन तो आप लोगों ने फैट एडिपोज टिश्यू देखा भी होगा मटन शॉप में व्हाइट कलर का जो लटका वो आपको मिल जाता है अक्सर मटन शॉप में लटका के रखते हैं बाहर से आपने देखा होगा वो जो चर्बी जिसको हम बोलते हैं लो, लो, लोकल लैंग्वेज में दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडिपोज टिश्यू ठीक है एंड ये आपका स्किन और जो इंटरनल ऑर्गन है इनके बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स और इस सेल्स अब ठीक है ये नाम फैट सेल है तो ये जो ये जो फ़ैट सेल्स होती हैं इसके अंदर पूरा क्या होता है फ़ैट ग्लोब्यूल्स होता है फैट की जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स टाइप की हम कह सकते हैं वो होती हैं ठीक है इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज ए इंसुलेटर इसके अलावा जो आपका एडिपोज टिश्यू है ये इंसुलेटर का काम भी करता है इंसुलेटर यानी बॉडी के अंदर की हीट को मैंटेन करने का काम करता है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू ठीक है सो टुडे वी डिस्क अबाउट Uh, tendons and ligaments, okay. Dense regular connective tissue, and uh, we discussed about adipose tissue. I think uh, the concept is clear. If you will feel any difficulty, you can ask the questions right now. Okay, thank you. Bye bye.